बच्चों कक्षा 10 जीव विज्ञान के चैप्टर पौधों एवं जंतुओं में जनन के प्रथम वीडियो में आपने जाना है कि जनन क्रिया क्या होती है, जनन कितने प्रकार का होता है और सामान्य सूक्ष्म जीवों में किस तरह से जनन की प्रक्रिया होती है। अब बच्चों आगे इसमें जानना है कायिक जनन, पौधों में कायिक जनन किस प्रकार से होता है। आपको बच्चों हम बता रहे थे कि पौधों के वो भाग जो जनन क्रिया में सामान्य रूप से भाग नहीं लेते हैं, ऐसे ही भागों को कायिक भाग कहते हैं। कोई पौधा है, आप पौधे देखते हैं, उसमें जड़, तना, पत्ती, ये तीन प्रमुख भाग हैं जो पौधों के कायिक भाग होता है। जड़, तना, पत्ती पौधों के कायिक भाग है, सामान्य रूप से जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ पौधों में ये जनन क्रिया में भाग लेते हैं कृत्रिम रूप से और प्राकृतिक रूप से। तो बच्चों जो कायिक जनन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें दो तरीके हैं, एक है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का आशय होता है बच्चों कि जब जो जनन की क्रिया है वो पौधों के कायिक भागों में स्वतः होती रहती है, उसे कृत्रिम शारीरिक उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। जब पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया स्वतः होती रहती है, उसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और जब मनुष्य के द्वारा कायिक भागों से जनन क्रिया कराई जाती है तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन की बात करें। बच्चों जड़ों के द्वारा कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक जनन, कुछ पौधे हैं जिनकी जड़ों से कलियां निकलती हैं और कलियों से अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे पनपते हैं। जड़ों के द्वारा कायिक जनन में कुछ पौधों की जड़ों में कलियां उत्पन्न हो जाती हैं अनुकूल परिस्थितियों में, और ये अनुकूल परिस्थितियों में बनी हुई कलियां नए पौधे को जन्म देती हैं और ये क्रिया प्राकृतिक रूप से होती है। उदाहरण है डहेलिया, सतावर, शकरकंद और परवल। सब्जी सब लोग खाते हैं और जानते हैं कि परवल के नए पौधे उसकी जड़ों से ही बनते हैं। दूसरा है बच्चों तनों के द्वारा, आप देखते हैं कि जड़ जमीन के नीचे होती है, तना जमीन के ऊपर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तने हैं जो भूमिगत अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में यानी भूमिगत तनों में कई प्रकार हैं, जैसे कंद है, सर्पकंद है, प्रकंद है, घनकंद है। तो बच्चों आलू के कंद आप खाते हैं, सब्जी के रूप में प्याज भी खाते हैं, अदरक का भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये पौधे ऐसे हैं जिसमें तनों के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं, अर्थात इनके अंडरग्राउंड स्टेम से अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो आलू के कंद से, प्याज के सरकंद से, अदरक के प्रकंद से और अरबी के घनकंद से नए पौधे उत्पन्न होते रहते हैं। अब बच्चों हम बात करें पत्तियों से। प्राय आप पत्तियों के कारण से भरी बात परिचित हैं, आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े हैं कि पत्तियां हरी होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं, इससे भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। लेकिन बच्चों कुछ पौधों की पत्तियों से नए पौधे बनते हैं, जैसे अजूबा है, यूरोनिया है। अजूबा का पौधा जो पत्ती होती है मोटी पत्ती होती है, उसके किनारे से ये पौधा है, उसके किनारे से जो किनारा है उसके जहाँ पर सिराएँ लगी हुई होती हैं उनके किनारे से इस तरह से नए पौधे इनके किनारे से उत्पन्न होते रहते हैं। ब्रायोफिलम या इसे कहते हैं अजूबा, ब्रायोफिलम अजूबा। तो इस तरह से बच्चों अजूबा है, गोलियाँ हैं आज पौधों में पत्तियों के द्वारा कायिक जनन संभव होता है प्राकृतिक रूप से
पौधे की पत्ती को कहीं भी आप घर पर फेंक दें तो अपनी मोटी पत्ती होती है उसमें फूल फराज स्टोर होते हैं, इसके सिराए यहाँ पर लगी हुई होती है, मार्जिन से किनारे से नए कलियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे नए पौधे उत्पन्न। अब बच्चों हम बात करेंगे कृत्रिम पैडिंग। कृत्रिम टाइप जनन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। बच्चों बहुत सारे पौधे हैं उनके टाइप भागों को काट करके नए पौधे बनाए जाते हैं, नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो पौधों के काई भागों को काट करके नए पौधे बनाने की जो प्रक्रिया है इसी को कृत्रिम काई प्रवर्धन नाम दिया गया है। तो कृत्रिम काई प्रवर्धन बच्चों कई तरीके से होता है, उसमें सबसे पहले आप बात करेंगे कलम लगाना, जिसे बच्चों कहते हैं कटिंग। तो कटिंग यानी कलम लगाना, बहुत सारे पौधों की कलम लगाई जाती है जिससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में आपको हम बताएं, जैसे सबसे इसका कॉमन उदाहरण है जिससे आप परिचित हैं, गुलाब है, गुड़हल है, ठीक है। गुलाब और गुड़हल, तो बच्चों गुलाब और गुड़हल की 20 से 25 सेंटीमीटर की एक टहनी को तिरछे काटना है। गुलाब या गुड़हल की एक टहनी को इस तरह से तिरछे काट दिया जाता है, ध्यान ये रखा जाता है इस टहनी में कलियां लगी, यानी जो इसकी पर्व संधियों पर कलियां लगी हों, क्योंकि जो कलियां लगी होंगी तो वही कलियां अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती है। तो इस तरह से गुलाब या गुड़हल है। इसके अलावा अंगूर, अनानास, गन्ना, अंगूर का पौधा जानते हैं, अनानास का भी जानते हैं, गन्ने को भी जानते हैं, गन्ने का पौधा। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें कलियां उपस्थित हों, और जब कलियां उपस्थित रहती हैं जैसे गुलाब या गुड़हल की बात करें, इस पौधे को जिस तने को हम 20 से 25 सेंटीमीटर का जो तना हमने काट दिया है, इसको आधा जमीन के अंदर आधा जमीन के बाहर छोड़ देते हैं, और इसको पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ और जल प्रदान करते हैं। ये आपकी मृदा है जिसमें पोषक पदार्थ मौजूद है, तना के कुछ भाग ऊपर है, वायु में है, हवा में है, मृदा में है, यहाँ पर खड़ी होती है। अब ये कभी अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती है। इस तरह से कटिंग के द्वारा या कलम लगाना जिसे कहते हैं, कलम लगाने के द्वारा नए पौधे उत्पन्न किए जाते रहते हैं। इसके अलावा जो और अनेक तरीके हैं जिसके हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा प्रमुख तरीका है जिससे नए पौधे जो तैयार किए जाते हैं उसमें है रोपण। रोपण बच्चों जिसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग या रोपण जिसे कहते हैं, रोपण ग्राफ्टिंग। बच्चों ग्राफ्टिंग में ये होता है, ग्राफ्टिंग में ऐसे पौधे को नए पौधे में तब्दील किया जाता है जो अच्छी नस्ल के, यानी एक जात के अनेक ऐसे पौधे होते हैं, कुछ घटिया किस्म के होते हैं, कुछ बढ़िया किस्म। तो आप जानते हैं कि घटिया किस्म का अगर पौधा लगाएंगे तो उसका उत्पाद घटिया ही होगा, अच्छी किस्म के पौधे को लगाएंगे तो उसका उत्पाद बढ़िया होगा। तो हम यही कहते हैं कि जो घटिया किस्म के पौधे हैं उनके ऊपर हम बढ़िया नस्ल के पौधे की टहनी या कली या कोई भाग लगा देते हैं जिससे नए पौधे बनते रहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप देखें कि हम रोपण में ग्राफ्टिंग में सबसे पहला काम ये करते हैं, ये आपका पौधा है जो घटिया नस्ल का है, जो जमीन से लगा है, ये घटिया नस्ल का पौधा है, जमीन से कुछ फीट के ऊपर पर हम इस पौधे को काट सकते हैं। इस पौधे को काट करके हम दूसरे अच्छी नस्ल के पौधे को इसमें जोड़ते हैं
और इसी के जोड़ने को ही हम ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग में दो बातें होती हैं, ये तो वो पुराना पौधा या आपका पौधा जो घटिया नस्ल का है, अच्छी नस्ल का नहीं है, उसके हम ऊपर से भागों को काट देते हैं, केवल थोड़े से कुछ सेंटीमीटर यानी कुछ फीट के भी हम पौधे को छोड़े रखते हैं और इस भाग को कहते हैं हम स्टार्ट। वो भाग जो घटिया नस्ल का वह पौधा जो घटिया नस्ल का है, जमीन से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर तक कुछ फीट छोड़ करके ऊपर के भाग को काट देते हैं, इसे बच्चों हम स्टार्ट कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। अब बच्चों हम किसी बढ़िया नस्ल के, इसी जात के बढ़िया नस्ल के पौधे की कोई टहनी, कोई कली, जो भी हम उपयोगी समझते हैं लगाने के लिए, इसमें ले आकर के हम जोड़ते हैं। कोई अच्छी नस्ल का पौधा है, अच्छी नस्ल का पौधा है, इसी जात का पौधा है, उसको हम आकर के ले आकर के यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब ये अच्छी नस्ल का है, उत्तम नस्ल का है, और ये घटिया नस्ल, घटिया नस्ल को हमने काट दिया, उसका पौधे का भाग जड़ से जुड़ा हुआ है, जड़ से जमीन से जुड़ा हुआ है, और जो अच्छी नस्ल का है उसको जाकर के हमें ऊपर जोड़ दिया है। तो बच्चों ऊपर का भाग जो अच्छी नस्ल का है जिसको आप जोड़ रहे हैं, इसे सियान कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग में आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में पौधे के दो भाग होते हैं, स्टार्क और सियान। वो जो जड़ से जमीन से नीचे से जुड़ा होता है उसे स्टार्क कहते हैं, और जो ऊपर की ओर होता है उसे, अच्छी नस्ल का होता है, उसे बच्चों हम सियान कहते हैं। इस तरह से स्टार्क और सियान को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जहाँ पर जोड़ते हैं वहाँ पर मोम पिघला कर लगा देते हैं, जिससे बाहर से वायु न जाए, कोई जीवाणु, कोई संक्रमण न जाए। इसके अलावा उसके ऊपर हम गोबर मिट्टी का लेप लगा करके उसे टाट या बोरे से अच्छी तरह से जोड़ देते हैं, बांध देते हैं, जिससे दोनों आपस में जुड़े रहें, और धीरे धीरे स्टार्क और सियान जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक अच्छी नस्ल का नया पौधा तैयार हो जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले हम दिन फिर अगले वीडियो में आपसे इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।